अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्सरसाइज 1.6 की, अब हम करेंगे रिव्यू। रिव्यू में हमारे पास फर्स्ट टू तो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके बाद हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है। क्वेश्चन नंबर थ्री में हम देखते हैं जी हमारे पास क्या है। उसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और ये दो मैट्रिक्स टू ऑर्डर सेम है, टू बाई टू, टू बाई टू, ये इक्वल मैट्रिक्स की तरह जा रही है। पहले हम देखेंगे ए प्लस थ्री इज़ इक्वल टू माइनस थ्री, तो ये थ्री इस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस सिक्स आंसर आ जाएगा। अब फोर, फोर सेम है ऑर्डर, सिक्स सिक्स इक्वल है, तो बी माइनस वन इज़ इक्वल टू टू, वन इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा तो बी का आंसर थ्री आ जाएगा। हमने फाइंड भी क्या करना था, ए एंड बी का आंसर फाइंड करना था, हमारे पास ए एंड बी का आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर के फोर पार्ट हैं, तो उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर फोर करेंगे, तुम्हारे फर्स्ट थ्री पार्ट भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। टू ओवर थ्री, टू ए माइनस थ्री बी, ये हमारे पास जो है वो गिवन वैल्यूज़ है जो हम उसने फाइंड करनी है, और ए की वैल्यू है टू थ्री वन ज़ीरो एंड बी की वैल्यू है फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस वन। जिस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू ओवर थ्री, टू ए माइनस थ्री बी। जैसे कि मैं बार बार चार बता चुका हूँ, सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, टू, टू के साथ क्या लिखा हुआ है ए, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू थ्री वन ज़ीरो माइनस थ्री, बी की वैल्यू है फाइव माइनस फोर माइनस टू माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। टू ओवर थ्री वैसे का वैसे ही आएगा। हमेशा याद रखिएगा, ब्रैकेट से पहले जो भी वैल्यू आनी है उसको आपने एज इट लिखते जाना है जब तक ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती। तो टू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा फोर सिक्स टू ज़ीरो माइनस फिफ्टीन ट्वेल्व सिक्स एंड थ्री माइनस थ्री। ये माइनस मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ वैल्यू थ्री की मल्टीप्लाई हुई अंदर। टू ओवर थ्री, फोर में से फिफ्टीन माइनस करेंगे, सिक्स में से माइनस ट्वेल्व माइनस करेंगे, टू में से माइनस सिक्स और ज़ीरो में से माइनस थ्री माइनस होगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टू ओवर थ्री जी। फिफ्टीन में से फोर माइनस करें तो आंसर आ जाएगा अलेवन, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो सिक्स प्लस ट्वेल्व, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे टू प्लस सिक्स ज़ीरो प्लस थ्री, टू ओवर थ्री और यहाँ पर आ जाएगा माइनस अलेवन और एटीन एट एंड थ्री, ये हमारे पास आ गया। तो अब ये ब्रैकेट हमारी क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। अब ये टू ओवर थ्री को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी वैल्यूज आएंगी आपके पास, जितने भी पार्ट हैं उन सब में आपने पहले ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। जब स्मॉल ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास जो बाहर वाली वैल्यू होगी उसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, माइनस होगा तो माइनस करना है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई माइनस अलेवन, टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई एटीन, टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई एट, टू ओवर थ्री मल्टीप्लाई थ्री, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस टू ओवर थ्री, थ्री वन दा थ्री सिक्स का एटीन, तो
6 का 12 आ जाएगा, 28 का 16 ओवर 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया तो आंसर 2 आ गया। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -22/3, 12, 16/3 and 2। क्या किया, पहले 2 को ए से मल्टीप्लाई, 3 को बी से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद जो बाहर वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। जी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे जी हमें, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, और गिवन क्या हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, 1, -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, -2, -1, -2। ये वैल्यू की मैंने तो ये देखें जी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब है ये एक्स है जिसको हमने फाइंड करना है, ये एक्स अपनी जगह पे रहेगा इज इक्वल टू के ऊपर ये वैल्यू है 4, -2, -1, -2। ये वैल्यू हमें सिर्फ ऑलरेडी लिखी हुई है, ये एक्स की वैल्यू अपनी जगह लिखी है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे इस जगह, ये यहाँ पे प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 2, 1, 3, -3। अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज आपस में क्या होंगी माइनस होंगी, -1, -3, -2, -3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, -3, -4, -2, +3, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा 2, -3, -4 and 1। ये आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया 2, -3, -4 and 1, और ये हमारे पास क्या आ गया एक्स की वैल्यू आ गई जो कि हमने फाइंड करनी थी। अब आ जाएं आप आगे क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपने पहले ए बी यानी कि मल्टीप्लाई करना है ए बी, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करना है, तो वो कह रहा है कि इज़ नॉट इक्वल टू 0, आपने प्रूफ करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, आपने मल्टीप्लाई करके देखना है ये इक्वल आता है या नहीं आता, नहीं आता तो आप भी कह देंगे नॉट इक्वल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पार्ट नंबर 1 हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो किया था, और क्वेश्चन नंबर 7 का ही रिव्यू में जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सॉरी पहले आप ये देख लें जो रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है वो हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 1 था वो किया था, इसलिए आपस में सेम है, हम कर चुकी हैं। अब रिव्यू का जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो पार्ट नंबर 2 है ये इन्वर्जन मेथड है जो हमने काफ़ी दफ़ा किया है, ये वही इन्वर्जन मेथड है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका टर्मिनेटर जॉइंट और फिर इन्वर्स ले लें, दूसरी तरफ से बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखा हुआ है और उसमें पहले बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट फिर इन्वर्स, ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट एडजॉइंट और फिर इन्वर्स, फिर इन दोनों को आप उसमें मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज करें, रिप्लाई इंशाल्लाह।